नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। जब दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए चलता है तो पिछले वीडियो में जब सूत उसे अश्व की रथ की गति का वर्णन करता है और कहता है कि जो घोड़े हैं वो इतने तेज़ दौड़ रहे हैं कि इनकी कलंगी स्थिर हो गई है और जो इनके पैरों से उठाई गई धूल है वो भी इनका अतिक्रमण नहीं कर पा रही है, मानो कि ये जो घोड़े हैं वो इस मृग का वेग सहन नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार सूत दुष्यंत से कहता है। फिर आगे राजा दुष्यंत कहता है कि सत्यम, यह बात सही है, क्योंकि अतित्य हरितो हरिंस वर्तन्ते वाजिने, के जो वाजिन है, जो घोड़े हैं, अश्व है हमारे रथ के, वो हरितो हरिंस है, सूर्य और भगवान इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी उनसे तेज दौड़ रहे हैं। तथा ही क्योंकि यदा लोके सूक्ष्मम व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नम भवति तत्कृत संधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथे जवात। कि यद आलोके सूक्ष्मम व्रजति, जो आलोकन दिखने में, जो दिखने में सूक्ष्मम बहुत ही छोटा सा दिखता है, सहसा अचानक तद विपुलताम, वह विपुलता विशालता को प्राप्त हो जाता है। जो वस्तु दूर से पहले छोटी सी सूक्ष्म सी प्रतीत होती है वह सहसा अचानक ही विपुलताम व्रजति, वह शीघ्र ही विशालता को प्राप्त हो जाती है। जब दूर से कोई वस्तु, लगभग हम सभी को दूर से प्रत्येक वस्तु छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन जब गाड़ी तेज चलती है तो वह जल्दी से ही अपने को वस्तु धीरे धीरे बड़ी दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार वह दुष्यंत कहता है कि जो वस्तु दूर से सूक्ष्म दिखाई देती है वह अचानक ही विशालता को प्राप्त हो रही है। यदार्थे विच्छिन्नम भवति, जो बीच में से कटा हुआ दिखाई देता है, विच्छिन्नम कटा हुआ दिखाई देता है, तदपि वह भी समरेखम नयनयो, वह भी जुड़ा हुआ सा नेत्रों को प्रतीत होता है। यानी रथ इतनी तेज दौड़ रहा है, घोड़े इतने तेज दौड़ रहे हैं कि उस वेग में जो वस्तु दूर से सूक्ष्म प्रतीत होती है वह शीघ्र ही हमें विशालता को प्रतीत हुई दिखाई देने लगती है, और जो बीच में से दूर से कटा हुआ दिखाई देता है वह शीघ्र ही हमें जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो, और जो स्वभाव से ही वक्रम टेढ़ा है वह भी समरेखम नयनयो, वह भी हमें सीधा दिखाई देने लगता है। न मे दूरे किंचित क्षणमपि, क्षण भर के लिए भी, पल भर के लिए भी कुछ मेरी आंखों से दूर नहीं रहता, और न पार्श्वे और न ही पास में रहता है। रथ जवात, रथ के वेग से, रथ जवात, रथ के वेग से, जब गाड़ी बहुत तेज चलती है तब दूर की वस्तु शीघ्र पास आ जाती है और जो पास में होती है वह शीघ्र पीछे चली जाती है। इस प्रकार रथ के वेग का वर्णन करते हुए राजा दुष्यंत अपने सारथी सूत से कहता है। फिर सूत कहता है, पश्य एनम व्यापाद्यमानम, व्यापाद्यमानम यानी जो मारने योग्य जो मृग है, पश्य एनम, इस मारने योग्य जो मृग है उसको देखिए, पश्य देखिए। सूत उस मृग के पास में आकर के राजा से कहता है कि देखिए एतद व्यापाद्यमानम, कि जो मारने योग्य हमारी जो मृग है वह पास में आ गया है। इति सरसंधानम नाट्यति, ऐसा कहकर के सरसंधानम नाट्यति राजा दुष्यंत बाण चढ़ाने का नाटक करता है। नेपथ्य में, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, नाटक में जब कोई ध्वनि पर्दे के पीछे से आती है उसे हम नेपथ्य कहते हैं। जैसे कई बार आकाशवाणी होती है या कोई बहुत पीछे से दूर से आवाज़ लगाते हैं तो हम नेपथ्य से नाटक पे उसका मंचन करते हैं। तो नेपथ्य में पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, भो भो राजन आश्रम मृगोयम नहंतव्यो नहंतव्य है, हे राजन ये आश्रम का मृग है, ये आश्रम का हिरण है, नहंतव्य नहंतव्य, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आश्रम का जो मृग होता है वह अवध्य होता है। सूत कहता है, आकर्ण्य अवलोक्य च, आकर्ण्य यानी सुन करके, अवलोक्य च और देख कर, सुनकर और देख कर, जो सूत है, जो सारथी है वह सुनता है और फिर देखता है, यानी सुनते हुए और देखते हुए। आयुष्मान, हे राजन अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विनः उपस्थितः,
कि खलु निश्चय ही ते कृष्णस्य चयंत्रे, आपके और जो कृष्णसार जो मृग है उनके मध्य में बाण पथवर्तिन, बाण के जो मार्ग है उस मार्ग के मध्य में तपस्विन उपस्थिता, कुछ तपस्वी उपस्थित हो गए हैं कि हे राजन आपके और मृग के बीच में बाण के मार्ग में कोई तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। राजा ससंभ्रमम हड़बड़ाहट के साथ में तेन ही प्रियग्रंथाम वाजिन है, तो आप घोड़ों को रोकिए, वाजिन है अश्व हैं उनको आप रोको। सूत तथा वैसा ही करता है, इति रथम स्थापयति, वह रथ को रोक लेता है। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वेखानस है, तब वेखानस दो अन्य तपस्वियों के साथ में प्रवेश करता है, मंच पर आता है वेखानस दो अन्य तपस्वियों के साथ में। वेखानस हस्तम उद्धत्य अपने हाथों को ऊपर उठा करके हाथ जोड़ करके, हे राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य है, ये जो मृग है वह आश्रम का मृग है इसलिए ये मारने योग्य नहीं है। तत् साधु कृसंधानम प्रति संहर्षायकम आर्तत्राणाय वैशस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कि तत् साधु कृत संधानम, इसलिए आपने बाण को उतार करके उचित ही किया, सायकम यानी बाण को प्रति संहर उतार कर साधु कृतम, कि आपने जो अच्छी प्रकार से पहले धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ था उसको आपने उतार करके साधु कृतम अच्छा किया, क्योंकि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम, कि वह यानी जो आपका जो शस्त्र है वह आर्त त्राणाय जो दुखी लोग हैं उनकी रक्षा के लिए है, त्राणाय रक्षा के लिए, आपकी जो शस्त्र हैं वो दुखी लोगों की सहायता के लिए हैं, उनकी रक्षा के लिए हैं। न प्रहर्तुम अनागसी जो निर्दोष लोग हैं उन पर प्रहर्तुम न प्रहार करने के लिए नहीं है, आपके जो ये शस्त्र हैं वो दुखी लोगों की सहायता के लिए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हैं, किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने के लिए या उस पर प्रहार करने के लिए नहीं है। फिर राजा एस प्रतिसंहृत है इति यथोक्तम करोति, कि यह उतार लिया है मैंने वहाँ। फिर वेखनस कहता है सदृशम एतत् पूर्ववंश प्रदीपस्य भवत है, कि जो आप पूर्ववंश में उत्पन्न हैं उनके लिए ऐसा ही उचित है, क्योंकि यस्य जन्म यस्य पूर्ववंशे युक्तरूपमिदं तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम अवाप्नुहि, कि जन्म यस्य पूर्ववंशे जिसका जन्म पूर्ववंश में हुआ है, पुरु नाम का कोई राजा था पहले उसी के नाम पे पूर्ववंश हुआ है, कि जन्म यस्य पूर्ववंशे कि जिसका जन्म पूर्ववंश में हुआ है युक्त रूपम इदम तव, तो ऐसा आपके लिए उचित ही है, क्योंकि आप भी पुत्रम एवं गुणोपेतम आप भी इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। जब राजा दुष्यंत मृग को मारने के लिए पहले बाण छड़ाए हुए था फिर बाद में वेखानस के कहने पर बाण उतार देता है, तो वह वेखानस उनको आशीर्वाद देता है राजा को कि आप पूर्ववंश में उत्पन्न हैं, आप भी एक चक्रवर्ती राजा हैं और आपको भी चक्रवर्ती पुत्र ही प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देता है, पुत्र प्राप्ति का चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। इतरव जो अन्य दो तपस्वी वेखानस के साथ में उपस्थित थे वो भी बाहु दम्य अपनी भुजाओं को उठा करके सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुही, सर्वथा निश्चय ही आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे, कि आप निश्चय ही निश्चित रूप से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे। राजा सह प्रणामम प्रतिगृहितम प्रणाम पूर्वक स्वीकार करता है। वेखानस राजन समिदा हरणाय प्रस्थिता वयम, कि हम समिदा लेने के लिए जा रहे हैं, एष खलु
कण्वस्य कुलपतेर अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। ये जो मालिनी नदी है उसके तीर पर जो आश्रम दिखाई दे रहा है वह महर्षि जो कुलपति हैं कण्व उनका आश्रम है। जो मालिनी नदी है उसके तट पर आश्रम दिखाई दे रहा है वह कुलपति कण्व का आश्रम है। न चेत अन्य कार्यातिपात है परविश्य प्रतिगृहताम आथित यह सत्कार है। यदि कोई अन्य कार्य नहीं है आपको तो आप आश्रम में प्रवेश कीजिए और आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार प्राप्त कीजिए। यदि आपको कोई दूसरा कार्य नहीं है तो आप आश्रम में पधारिए और वहाँ पर अतिथि सत्कार प्राप्त कीजिए। अपिच क्योंकि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समावलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मोर विकीणांक इति। कि वह जो वेखानस है वह राजा से कहता है कि यदि आप आश्रम में प्रवेश करोगे तो आपका जो रक्षा आपने जो रक्षा की है आश्रम की या अपनी प्रजा की उसके बारे में आपको पता चलेगा। कि रम्या तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना ये जो आश्रम है वह रम्य मनोहर है। तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना और जो तपस्वी लोग हैं तप एव धनम यस्य तपोधन है तेषां तपोधनानां ये जो जिनका तप ही धन है ऐसे जो तपस्वी लोग हैं वो प्रतिहत विघ्ना रम्य कि वो विघ्नों से रहित हैं। उनकी जो क्रियाएं हैं प्रतिहत विघ्ना क्रिया कि उनकी जो विघ्नों से रहित क्रियाएं हैं कार्य हैं उनको समावलोक के उनको देख कर उनको आप देख कर ज्ञास्यसी जान जाओगे कि मोरवी किणांक में भुजो कियत रक्षति। मोरवी जो प्रत्यंचा है धनुष की जो डोरी है उस डोरी को खींचने से जो आपकी अंगुलियों पर भुजाओं पर जो चिन्ह बन गए हैं उन चिन्हों से मैं भुजो मेरी जो भुजाएँ हैं वो कितनी रक्षा कर रही है ऐसा आप स्वयं जान लोगे। ऐसा आपको स्वयं को महसूस होगा कि जो मेरी भुजाएं हैं वो कितनी रक्षाएं कर रही है। ये तपस्वी लोगों के जो कार्य हैं वो विघ्नों से रहित हैं तो आपकी जो भुजाएं हैं जिन पर धनुष और प्रत्यंचा के चिन्ह बन गए हैं वो अच्छी प्रकार से रक्षा कर रही है। किसी प्रकार का विघ्न तपस्वियों के कार्यों में नहीं हो रहा है। राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति क्या कुलपति महोदय आश्रम में है। वेखानस इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवम अस्य प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गतः। इदानीम इस समय तो जो महर्षि कण्व है वो अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय नियुज्य अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके अस्य देवम प्रतिकूलम इसके प्रतिकूल देवम उसके प्रतिकूल भाग्य के समनार्थम सोमतीर्थम गतः उसके प्रतिकूल भाग्य के समन के लिए शांति के लिए वो सोमतीर्थ गए हुए हैं। राजा भवतु तामेव द्रक्ष्यामि भवतु उनसे ही मैं जो भी बात है वो बता दूंगा या उनसे मिल लूँगा। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षि कथिष्यति वह जो मेरी महर्षि कर्ण के प्रति जो भक्ति है वो महर्षि कर्ण से निवेदन कर देगी उनसे कह देगी कि मेरी जो महर्षि कर्ण के प्रति जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को वह शकुंतला ही उनसे कह देगी। वेखानस साध्यामस तावत अच्छा तो हम चलते हैं ऐसा कह करके वेखानस और जो दोनों अन्य तपस्वी थे वो निष्क्रांत वहाँ से निकल लेते हैं। राजा सूत नोदयास्वान कि अश्व को हाँको अश्व जो घोड़े हैं उनको आप हाँको पुण्याश्रम दर्शनेन तावद आत्मानम पुनीमहे पुण्याश्रम दर्शनेन तावद आत्मानम पुनीमहे इस पुण्य आश्रम के दर्शन से हम अपने आप को पवित्र करते हैं। सूत यद आज्ञापयति आयुष्मान हे आयुष्मान हे राजन जैसी आपकी आज्ञा इति भूयो रथ वेगम रूपयति फिर वह पुनः रथ के वेग का निरूपण करता है। राजा समन्तात् अवलोक्य चारों ओर देखकर सूत अकथितो अपि ज्ञायत एव अयम आभोगस्तपोवनस्येति
कि एकथितोपि बिना कहे ही ज्ञायत एव, हम जानते हैं, बिना बताए ही हम जान गए हैं कि आभोग तपोवनस्य इति, कि यह तपोवन की सीमा है। सूत कथम ही, कैसे कि आपको कैसे पता चला कि यह तपोवन की सीमा है? राजा किम न पश्यति भवान, कि आप नहीं देख रहे हो कि यह ही, क्योंकि यही ही। निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामध, प्रश्निग्धा क्वच दिंगूदी फल विदय सूचयंत उपला विश्वासोपगमाद भिन्न गतय शब्दम सहन्ते मृगा तो या धार पथाश्चवल कल शिखा निशंदन रेखांकिता। कि निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामध है, कि जो निवार है, जो धन्य है, वो सुख गर्भ कोटर मुखात तरुणामध है, कि जो वृक्ष हैं उनके नीचे, उन वृक्षों के मध्य में जो तोते बैठे हुए हैं, उनके मुख से गिरे हुए जो धान्य के कण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। प्रश्निग्धा क्वचित इंगुदी फल विदय सूचंत एवोपला, उपल होता है पत्थर, जो पत्थर हैं वो इंगुदी फलों को तोड़ने के कारण उनके तेल से चिकने दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात अभिन्न गतय शब्दम सहन्ते मृगा, अभिन्न गतय जिनकी गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे हम देखते हैं ना, कई बार कोई वाहन आता है या घोड़े आते हैं, रथ आता है, तो जो आसपास में जो बकरियां होती है, हिरण होते हैं, वो दूर दौड़ जाते हैं, लेकिन जो आश्रम के मृग है वो रथ की आवाज़ सुन करके भी वहीं खड़े हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए हैं इस प्रकार, क्योंकि इनको हमारे ऊपर विश्वास है, क्योंकि आश्रम में कोई भी व्यक्ति जीव हत्या या कोई हिंसा नहीं करता है, उनको व्यक्तियों पर, मनुष्य पर विश्वास है। तो विश्वास के कारण इनकी जो गतियां हैं वह अभिन्न बिल्कुल भी चलायमान ये नहीं है, वैसे के वैसे यहाँ पे खड़े हैं और रथ का शब्द सहन किए हुए हैं, रथ की ध्वनि सुन करके वो यहाँ से दौड़े नहीं। तोयाधार पथाश्चवल कलशी का निश्चंदन रेखांकिता, तोयाधार की जल की धारा के कारण मार्ग गीला हो गया है, क्योंकि जो तपस्वी मुनि लोग हैं वो वल्कल वस्त्रों को तालाब में धोकर के जब आश्रम में जाते हैं तो मार्ग में उन कपड़ों से जो पानी टपकता है उससे जो मार्ग गीला बन जाता है, तो इन रेखाओं के कारण जैसे मानो कोई वल्कल वस्त्र धोकर के इस मार्ग से गुजरा हो और ये पानी की जो रेखाएं बनी हुई है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आश्रम की सीमा आ गई है, यानी हम आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं। धन्यवाद।